हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये पश्चिम नेपाल, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान के बीच में क्या करेगा, एक्सटेंशन होगा इसका। इसका फैलाव है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, जहां पर लेप्चा जनजाति रहती है। अगर टी गार्डन की बात करें तो आपके सिक्किम में ढेर सारे टी गार्डन देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं सिक्किम को टच करेगा। और यहाँ पर दार्जिलिंग की घाटी है और दार्जिलिंग की घाटी यानी दार्जिलिंग में जो टी का प्रोडक्शन होगा, तो दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग मिलेगा, जो पहला यानी फर्स्ट जीआई टैग कहलाएगा। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ेगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये असम में पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये दार्जिलिंग में इसकी लोकेशन है। अब हम देखेंगे अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय की अगर बात करें तो मेन हिल्स की बात करें, यहाँ पर नामचा बरवा और कांगतो नामक क्या है आपकी हिल्स पाई जाएंगी। अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें, फैलाव की बात करें, तो ये पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में जो आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या मिलेगा, दीपू दर्रा। वहां तक का ये जो पूरा फैलाव है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल हिमालय का है। और ट्राइब्स की बात करें तो मोनपा, डफला, निशी, अबोर और मिशमी टाइप की यहाँ के जो है आपके मेन ट्राइबल ग्रुप है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इन खेत यहाँ पर किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है, तो मोनपा, डफला, निशी, अबोर और मिशमी ट्राइब के द्वारा यहाँ पर स्थानांतरी या ट्रांसफर जो आपकी ट्रांसफरेबल जो होती है एग्रीकल्चर होती है, इन्हीं को झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को हम बर्न कल्टीवेशन या फिर स्लैश कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं और प्लस वन यानी आपका सिक्किम, इनमें ढेर सारे फॉरेस्ट एरिया हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि यहां पर फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है ड्यू टू झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन के कारण यहाँ का फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। ओवरऑल अगर देखें 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट को, तो उसमें आपका एरिया तो बढ़ा है, कवरेज भी बढ़ा है, कैनोपी एरिया भी बढ़ा है, बट यहाँ पर कम हो रहा है, जिसका मेन रीजन है चूंकि यहाँ पर बर्न या स्लैश या फिर स्थानांतरित खेती की जाती है। फिर अपन आएंगे पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों को देखेंगे। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों की बात करें तो लुशाई है, मिजो है, मणिपुरी है, त्रिपुरी है, ये हिल्स हैं जो बेसिकली कहाँ पाई जाएंगी, आपके पूर्वी हिमालय के पर्वतीय रीजन में। अगर बात करें मेलोसिस बेसिन की, एक क्वेश्चन आपके पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि मेलोसिस जो आपका बेसिन है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपका पूर्वी पर जो पहाड़ियां हैं, ईस्टर्न रीजन की जितनी भी हिल्स हैं और पर्वत पर मिजोरम में बेसिकली मेलोसिस बेसिन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो बेसिकली सिंधु, पश्चिम में सिंधु है ना, और आपका पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ जो रीजन है, इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। यानी गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए रेसिडुअल्स और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए कैचमेंट एरिया, ये पूरा आपका रेसिडुअल्स से मिल करके बनेगा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर बात करें तो इसका डिवीजन किया गया है किसके आधार पर, उच्चावच भौतिक लक्षणों के आधार पर, फिजिकल जो क्वालिटीज हैं उनके आधार पर इसको बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है। क्लास कितने भागों में, पांच भागों में। एक भाग है आपका खादर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, फिर है खादर, फिर है आपका डेल्टा। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। अगर बात करें भाबर की तो कहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा जो नदी है वो पहले अपनी यंग स्टेज में होती है। अगर हम गंगा का उदाहरण दें तो गंगा बेसिकली गोमुख से निकलती है और बहती हुई आती है। तो यहाँ पर भाबर रीजन में पेबल्स यानी आपके कंकड़ पत्थर से मिल करके भाबर का क्या होता है, निर्माण होता है। कंकड़ पत्थर और बजरी से मिल करके निर्माण हो रहा है और यहाँ पर नदी आती है और इन पत्थरों के नीचे बहती है तो विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। यानी यहाँ पर जो नदी होगी वो क्या होगी, अदृश्यमान होगी, यानी यहाँ पर दृश्य नहीं होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, नदी गायब हो जाएगी। और जैसे ही देहरादून के बाद यूपी में बिजनौर से इंटर करेगी गंगा, तो यहाँ पर इनको एक वास्ट एरिया मिलेगा,
P बराबर F upon A होता है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और यहाँ आते आते नदी का प्रेशर फ्लो कम हो जाएगा। तराई रीजन में बेसिकली नदी जो है अपने वाटर को क्या करेगी, रोकेगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, एक नमी देखने को मिलेगी और इस रीजन में नदी आकर के मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर कंडीशन में हो जाएगी और मैच्योरिटी होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे एरिया बड़ा है, प्रेशर कम है, तो क्या होगा यहाँ पर एक लंबे वास्ट एरिया में ये तराई का रीजन मिलेगा। और तराई में बेसिकली आप देखेंगे भाभा के दक्षिण में दलदली भूमि जहां पर नदियां दृश्यमान हो जाती है, यहाँ पर गायब हुई भाभा की नदियां तराई रीजन में आते ही क्या हो जाएंगी, दिखने लगेंगी और जब दृश्यमान होगी तो नदियों में चिकनी और मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जो है लेकर के नदियां आएंगी और यहाँ पर अपनी गाद को छोड़ेंगी। ऊपरी परत की फर्टिलिटी ज्यादा होने के कारण आप देखेंगे यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन और गेहूं का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ पर तराई रीजन में पानी ठहरेगा तो यहाँ पर मच्छरों का प्रोडक्शन होगा और गोरखपुर रीजन में तराई रीजन में जापानी इंसेफ्लाइटिस टाइप की डिजीज आपको देखने को मिलेंगी जिनको मत्स्य ज्वर के नाम से जाना जाएगा। और योगी गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पर ढेर सारे हॉस्पिटल्स का निर्माण करेगा। और अगर हम बात करें मैच्योर कंडीशन के बाद जैसे ही नदी आगे बढ़ेंगे तो बांगर रीजन मिलेगा। बांगर में कुछ ऊंचाई है, ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच नहीं पाता है, बाढ़ का पानी ना पहुंच पाने के कारण क्या होगा, ये मिट्टी बहुत ही पुरानी मिट्टी होगी और इस सॉइल में बेसिकली क्या होगा, पुराना मन होगा, यानी ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी को बांगर रीजन को हम अगर देखें तो ये बेसिकली रेह और कल्लर के नाम से जानी जाती है, प्राय इसका फैलाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कहीं कहीं पर जहाँ पर कोमल मिट्टी हट गई है, ऊपरी परत कोमल मिट्टी हट गई है, नीचे कंकड़ और पत्थर देखने को मिलते हैं, उनको भूड़ के नाम से जाना जाता है। तो बांगर के बाद हम आएंगे खादर में। खादर और बांगर में एक ही अंतर है कि खादर जो मिट्टी है वो नई जलोढ़ मृदा है, काप मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और अगर बात करें यूपी बिहार वेस्ट बंगाल में खादर का क्या होगा, फैला होगा, यहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचेगा अर्थात इरोजन होगा और नई मृदा का निर्माण होता रहेगा, इसलिए इसको नई या जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी इस मिट्टी की, क्योंकि इसमें चीका की दिखता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी किस मिट्टी में, खादर में। तो खादर को हमने देखा और खादर में देख बेसिकली खादर में जो है गन्ने का प्रोडक्शन है ना, चावल का प्रोडक्शन होगा। फिर अगर हम देखें तो डेल्टा नदी यहाँ पर आकर के अपने रेसिडुअल्स को अब मैच्योर कंडीशन के बाद ये आ जाएगी ओल्ड स्टेज में और नदी ओल्ड स्टेज में आगे जितने भी आपके वो रेसिडुअल्स गाद को लाएगी यहाँ पर छोड़ेगी। अब उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि इस गाद को जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरा दे और नदी अपनी वितरिकाओं में बढ़ जाएगी। वितरिकाओं सीधी सी बात है ये यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करेगी और इस डेल्टा के निर्माण के कारण यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन होगा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी सहायक नदियों के द्वारा मेंटेन होगा। और इस डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर सुंदर नामक वृक्ष पाया जाएगा, इसलिए इसको सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट की खास बात होती है कि वो स्वैम्पी एरिया में होते हैं, जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक जाती हैं और इस रीजन में ये बेसिकली प्रोटेक्शन करेंगे एक वॉल के फॉर्म में, किसकी, इस वाले रीजन की, यानी आपके जो स्टैंड रीजन है उसकी लोकेशन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपने देखा तो डेल्टा उच्च भूमि को क्या कहेंगे, चार्ट्स कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। भाभा, तराई, बांगर, खादर एंड डेल्टा, दीज आर द फिजिकल जो आपके लक्षण है उनके आधार पर उच्चावच है, उच्चावच के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांटा गया। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में समझ लीजिएगा, दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, चावल, गेहूं और ये सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी और साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड जो है आपकी सिटीज देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही।